everyone, this is me Jolly Yadav. Welcome back to our channel Reality 360 Degree. Guys, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ नोएडा एक्सटेंशन के एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पर. बेसिकली आज मैं आप लोगों को एक टाउनशिप का टूर कराने वाली हूँ एंड यहाँ पर आपको रेडी टू मूव इन सेगमेंट के घर मिलने वाले हैं. तो मैं आपको टाउनशिप दिखाऊंगी, उससे पहले मैं आपको इस टाउनशिप की लोकेशन से थोड़ा सा फेमिलियर करा देती हूँ. तो प्रोजेक्ट का नाम है पंचशील ग्रीन्स 2 एंड आप देख सकते हैं सेक्टर रोड पर आपका ये बना हुआ है. रेडी टू मूव इन टाउनशिप है आपकी, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको ऑपरेशनल स्टेज में मिल जाती हैं. इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. आसपास आप देखें तो वेल डेवलप्ड सेक्टर है ये पूरा, लोग यहाँ पर रह रहे हैं. इनफैक्ट सोसाइटी के अंदर ही लोग यहाँ पर रह रहे हैं. FNG की मैं बात करूँ, NH24 की मैं बात करूँ, तो दोनों ही अराउंड यहाँ से आपके 5 से 8 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. नोएडा आपका अराउंड यहाँ से 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. प्रोजेक्ट के आसपास आपको काफी सारे स्कूल्स मिल जाते हैं, शॉपिंग एरियाज यहाँ पर मिल जाते हैं. 6 से 7 स्कूल्स आपके प्रोजेक्ट से मुश्किल से 6 से 7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेंगे. उसके अलावा यथर्थ हॉस्पिटल यहाँ से अराउंड 7 से 8 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. मॉल्स की हम बात करें तो काफी सारे मॉल्स भी यहाँ के नियर बाय हैं. गौर सिटी मॉल हम देखने तो वो यहाँ से मुश्किल आपका 8 से 9 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. तो 6 से 7 आपको मेजर मॉल्स यहाँ से नजदीक में मिल जाते हैं. प्लस प्रोजेक्ट का खुद का कमर्शियल एरिया भी है. तो अभी फिलहाल मैं इसके कमर्शियल एरिया के बाहर ही खड़ी हूँ. तो ये आप देखें यहाँ पे अराउंड आपकी 100 कमर्शियल शॉप्स हैं जो कि आपकी ऑपरेशनल स्टेज में हैं. दुकानें सब आपकी खुली हुई हैं. तो अगर आप यहाँ टाउनशिप में रहते हैं तो आपको कहीं बाहर जाने की तो जरूरत नहीं है. आपकी डेली नीड्स का सामान यही आपको सोसाइटी की शॉप्स पे मिल जाएगा. एंड ये तो था थोड़ा सा कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट का. अब चलिए मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाती हूँ. सबसे पहले मैं आपको यहाँ की मेन एंट्रेंस दिखाऊंगी, उसके बाद हम इस टाउनशिप के अंदर जाएंगे. पूरी टाउनशिप को मैं आपके साथ टूर करूंगी एंड यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे. एंड इन द एंड मैं इस प्रोजेक्ट में जो स्टार्टिंग प्राइस है इन्वेस्टमेंट का वो रिवील करूंगी. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर. And guys, this is the main entrance of this society, Panchil Greens 2. यहाँ पर आपको in total 3 entry/exit gates मिल जाते हैं. फिलहाल 2 आपके operational state में है and 1 कुछ time बाद operational हो जाएगा. आप देखिए तो यहाँ पर proper security present है. 3-tier आपको security मिल जाती है township में. And further, township के अंदर जाते हैं, पहले इस township को देखते हैं. गाइस पूरा प्रोजेक्ट आपका 26 एकड़ के एरिया में बना है. इनफैक्ट ये पूरी एक टाउनशिप है. यहाँ पर आपके लिए अपार्टमेंट्स भी है प्लस उसके साथ साथ विलाज भी प्रेजेंट है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारे विलाज भी हैं यहाँ के. उसके अलावा प्रोजेक्ट में खुद का कमर्शियल एरिया है एंड यहाँ पर एक प्ले स्कूल के लिए भी लैंड पूरी प्रॉपर डेडिकेटेड है एंड इन फ्यूचर एक प्ले स्कूल भी यहाँ पर बनेगा. सो ऑल इन ऑल यहाँ पर सारी चीजें प्रेजेंट हैं जो कि एक टाउनशिप में होनी चाहिए. कमिंग बैक टू दी टावर्स, तो यहाँ पर आपके इन टोटल 28 टावर्स हैं एंड इनमें आपके अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रेडी मूव इन दोनों सेगमेंट के टावर्स प्रेजेंट हैं. यहाँ की टावर हाइट की हम बात करें तो टावर हाइट आपकी रहेगी S+25. प्रोजेक्ट में 2 क्लब हाउसेस प्रेजेंट हैं, दोनों आपके 23,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बने हैं, जिनमें दोनों को मिलाकर आपके यहाँ पर 6 बैंकेट हॉल्स हैं, 2 अडल्ट स्विमिंग पूल है, 2 किड्स स्विमिंग पूल है. उसके अलावा यहाँ पर अराउंड 3 एकड़ के एरिया में एक सेंट्रल ग्रीन पार्क भी है प्लस सारे आपके आउटडोर गेम्स भी प्रेजेंट रहेंगे. आउटडोर गेम्स के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट पिच है, बास्केटबॉल कोर्ट है एंड उसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स एरियाज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं. पार्किंग की मैं बात करूँ तो पार्किंग आपकी बेसमेंट में रहेगी एंड बाहर आपका नो व्हीकल मूवमेंट जोन रहेगा. प्रोजेक्ट में जो 4 ब्लॉक्स हैं A, B, C एंड E, इनकी OC रिसीव हो चुकी है एंड जल्द ही इनमें लोग शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे. उसके अलावा कुछ टावर्स यहाँ पे अराउंड दिवाली में लॉन्च होने वाले हैं. यहाँ पर अपार्टमेंट्स में 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं इन डिफरेंट साइजेस. एंड गाइस आप यहाँ का सेंट्रल एरिया देख सकते हैं, पार्क एरिया देख सकते हैं, पूरा वेल डेवलप्ड पार्क एरिया है. ग्रीनरी पूरी डेवलप कर दी गई है यहाँ पर. प्रॉपर यहाँ पर सिटिंग एरियाज हैं, वॉकिंग एरिया यहाँ पर बने हुए हैं. उसके अलावा आप उस तरफ देखें तो वहाँ रहेगा आपका क्लब हाउस, जिसमें की स्विमिंग पूल प्रेजेंट है, बैंकेट हॉल रहेंगे. इनफैक्ट
सारे आपके इंडोर गेम्स हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर दो दो क्लब हाउस प्रेजेंट हैं, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर उसके अंदर रहने वाली हैं। अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि ये रेडी टू मूव इन सेगमेंट की टाउनशिप है, तो इसमें अराउंड अभी 3000 लोग यहाँ पर एट प्रेजेंट रह रहे हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे मूव इन हो चुके हैं और कुछ लोग अभी और मूव इन करेंगे, जैसे कि ओसी यहाँ की रिसीव हो चुकी है, तो धीरे धीरे और लोग भी यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड आपके पास लिमिटेड इन्वेंट्रीज ही बाकी है रेडी टू मूव सेगमेंट में, बाकी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन के फेज में भी रहेंगी कुछ यूनिट्स, बट अगर आप रेडी टू मूव इन सेगमेंट में चाहते हैं तो उसके लिए लिमिटेड इन्वेंट्रीज भी है। इसलिए अगर आप जल्दी से जल्दी कॉल कर देंगे तो आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपार्टमेंट अपना बुक कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत सोल्ड आउट हो जाएंगे। गाइस हर एक टावर में आपकी एंट्रेंस कुछ इस तरीके से रहेगी, सभी टावर में आपका वेटिंग एरिया प्रेजेंट रहेगा, ये रहेगा आपका रिसेप्शन एरिया, प्लस फर्दर आपका आगे गेस्ट के लिए यहाँ पर वेटिंग एरिया भी प्रेजेंट है। एंड इसके ऊपर के फ्लोर से आपके पास में शुरू होता है, तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ सामने अपार्टमेंट की तरफ। गाइस अभी मैं लॉबी एरिया में प्रेजेंट हूँ, एक फ्लोर पर आपके 6 अपार्टमेंट रहेंगे, 3 लिफ्ट के साथ, साथ ही साथ आप अपार्टमेंट्स को स्टेयरकेस के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइस अभी मैं आपको एक अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ, ये आपका एक्चुअल एंड ब्लॉक फ्लैट है, इसका साइज रहेगा 1105 स्क्वायर फीट, इट इज अ 2 BHK अपार्टमेंट। एंड अभी मैं अपार्टमेंट की एंट्रेंस पे आ गई हूँ, तो ये रहेगा आपका मेन एंट्रेंस डोर, तो जैसे ही आप इस डोर से एंटर करेंगे आप आ जाएंगे अपार्टमेंट के लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में, तो ये पूरा स्पेस ये आपका लिविंग एरिया रहेगा, प्लस उसके एडजेसेंट आपका पूरा स्पेस रहेगा डाइनिंग एरिया के लिए। उसके साथ साथ लिविंग एरिया में आपको एक बालकनी एरिया भी मिल जाता है, तो आप बालकनी देखिए काफी अच्छी विड्थ के साथ आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाती है, अराउंड 5 feet वाइड आपकी ये बालकनी रहेगी। एंड फर्दर हम और आगे चले तो आप देखिए डाइनिंग एरिया के बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा आपका किचन एरिया, तो ये रहेगा पूरा आपका किचन एरिया, आपकी किचन सेम आज इसी फॉर्म में आपको मिलेगी, ये आपका एक्चुअल फ्लैट है। एंड किचन के बिल्कुल ही साथ में रहेगा आपका यूटिलिटी एरिया। गाइस यहाँ पर है आपका बेडरूम नंबर 1, इस तरफ रहेगा आपका वार्डरोब का स्पेस, प्लस यहाँ आप देखें तो यहाँ पर भी आपकी बालकनी मिल रही है, ये आपकी कॉमन बालकनी है जो कि आपके बेडरूम नंबर 1 एंड बेडरूम नंबर 2 दोनों के साथ अटैच मिलेगी। इन टोटल आपको यहाँ पर 3 बालकनी मिल रही है, एक आपके लिविंग एरिया के साथ रहेगी अटैच, एक आपके किचन एरिया के साथ, एंड एक ये पूरी बड़ी बालकनी आपके दोनों रूम्स के साथ अटैच रहेगी। फ्लोरिंग भी आप चेक कर सकते हैं, सेम आज आपकी फ्लोरिंग रहेगी। एंड नंबर 1 के साथ कुछ ही एडजस्टमेंट रहेगा आपका रूम नंबर 2, सो दिस इज योर रूम नंबर 2, काफी ज्यादा स्पेशियस यहाँ पर आपको रूम्स मिल जाते हैं। आप देखिए तो यहाँ पर रहेगा आपका वार्डरोब का स्पेस, प्लस आपको यहाँ पर ये मैं बालकनी ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, इस रूम में आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाती है, तो ये वॉशरूम आपकी सेम एज इट इज रहेगी, प्लस फर्दर आपको इन टोटल इस अपार्टमेंट में 2 वॉशरूम मिल जाती है, एक यहाँ पे अटैच रहेगी लेकिन आपकी कॉमन वॉशरूम रहेगी जो कि आपकी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, एंड वॉशरूम के अंदर आपको सारी फिटिंग्स कंप्लीट एज इट इज मिलेंगी। सो गाइस दैट वाज द सैंपल अपार्टमेंट। So guys, that was all about our today's project, Funshield Greens 2, जिसकी location थी Noida Extension. यहाँ पर आपके लिए 2 and 3 BHK apartments हैं in the category of ready to move in segment. आपको यहाँ पर जो sample apartment मैंने दिखाया वो कैसा लगा हमें comments करके जरूर बताइएगा। प्लस अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो अपकमिंग जो टावर्स बनेंगे वो आपके माइवान फ्रेमवर्क के साथ बन रहे हैं, एंड सबसे मेजर USP ये है इस प्रोजेक्ट की कि यहाँ पर आपको रेडी टू मूव इन सेगमेंट में अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, सारी चीजें आपको वेल प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड चीजें मिल रही हैं। अब ग्रीन एरियाज में आपको दिखाई चुकी थी सारी चीजें यहाँ पर डेवलप्ड फेज में रहेंगी, सारी चीजें आपको तैयार मिल रही हैं यहाँ पर। ओवरऑल काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, इनका खुद का कमर्शियल एरिया भी है, सेक्टर रोड पे बना हुआ है, एंड लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, प्राइम लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट डेस्टिनेटेड है, तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं एंड आके इसे विजिट करना चाहते हैं तो हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी।
उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि के टाइम पर काफी सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर, तो आप अगर उनमें अभी बुकिंग करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट बचा सकेंगे। आप 5 से 7 लाख रुपए अपने सेव कर पाएंगे। अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर अलग अलग ऑफर्स चल रहे हैं, तो उन ऑफर्स के रिलेटेड जानकारी के लिए भी आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।